एक पत्नी का पति था नाबालिग, और फिर उसके बाद दोस्तों वह ससुर से नैन मटक्का लड़ाने लगती है। ससुर से उस पत्नी को प्यार हो जाता है और फिर ससुर से शादी रचाई जाती है और ससुर की गर्भवती होकर ससुर के बच्चे को जन्म दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक पत्नी अपने पति की ही माँ बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र 39 साल है और उसकी पत्नी सन 2012 में मर चुकी थी। उसका एक बेटा है जिसका नाम संजय है। संजय की उम्र 14 साल है। दोनों बाप बेटे अपने घर में रहा करते हैं। तो जो मोहन होता है वह बाहर जब लोगों के साथ बैठकर बातें करता है तो लोग कहते हैं कि घर में एक बहू ले आओ, तुम्हारे खाने पानी की जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी, बहू रोटी कर दिया करेगी और फिलहाल तुम्हारे रोटियों के भी लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, जो मोहन होता है वह भी परेशान था क्योंकि रोज़ चूल्हा खुद को चलाना पड़ता था, दोनों बाप बेटे रोटी खुद बनाया करते थे। अब मोहन इधर उधर अपने बेटे संजय के लिए बहू ढूंढने लगता है। बेटा 14 साल का था, 14 साल की कोई लड़की नहीं मिलती है। तभी एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है प्रिया। उसकी उम्र होती है 19 साल और उसके माँ बाप उस लड़के संजय के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझते हैं मजबूरी कि उनके घर में अब रोटियों की भी परेशानी है। दोस्तों, यहाँ पर अब शादी कर दी जाती है। संजय की उम्र 14 साल है और संजय की जो पत्नी है प्रिया, उसकी 19 साल उम्र है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जब प्रिया दुल्हन बनकर उनके घर में आती है तो फिर वह खाना वगैरह सारा कुछ अपने आप बनाने लगती है, घर को साफ रखने लगती है। तो दोनों बाप बेटे बड़े खुश हैं कि उनके घर में एक बहू आई है और बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो जो संजय होता है, जो वह लड़का होता है संजय 14 साल का, वह शराब पीने लगता है यार दोस्तों के साथ बैठकर, और अब वह शराबी बन जाता है। रोज़ रोज़ शराब पीता और इधर उधर घूमा करता और अपनी पत्नी से आकर लड़ा करता। उसकी पत्नी भी उससे लड़ा करती थी कि तू शराब पीकर क्यों आता है। दोस्तों, अब उन दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगता है, पति पत्नी के बीच में। तो यहाँ पर जो प्रिया होती है वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, कमाता धमाता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अब जो ससुर होता है मोहन, अपने बेटे की पत्नी को कुछ पैसे वगैरह दे दिया करता है कि तुम खर्चा पानी चलाओ, और धीरे धीरे इसी तरह से अब ससुर और बहू के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मोहन अपने बेटे की पत्नी के सामने सामान लाकर रख देता है और उसको पैसे वगैरह भी दिया करता है। तो वह पत्नी, वह जो बेटे की बहू होती है, वह अपने ससुर से प्यार करने लगती है। अब वह दोनों, ससुर और बहू दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो वह कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो वह सोचते हैं कि गांव में रहकर अगर शादी करेंगे तो लोग हमारे ऊपर थूकेंगे, इसलिए वह गांव से भाग जाते हैं और जा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वह बाहर ही रहने लगते हैं और उनका बेटा संजय घर पर रह जाता है, और अभी भी जो मोहन है अपने बेटे संजय का खर्चा पानी चला रहा होता है, वहीं से बैठा हुआ खर्चा दिया करता है। और बेटे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ शादी कर ली है। वह आराम से शराब पीता और शराब के नशे में धुत रहा करता था। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है, जो संजय की पत्नी होती है, जो अपने ससुर को ब्याही थी, उसको एक बच्चा हो जाता है, और जैसे बच्चा होता है तो अब मोहन अपने उस बच्चे की तरफ ध्यान देने लगता है, और जो उसका पहला बच्चा था संजय 14 साल का, उसकी तरफ ध्यान कम देता है। तो संजय को शराब चाहिए होती है तो वह पहुँच जाता है अपने पिता के पास और जाकर उससे खर्चा पानी मांगने लगता है। मोहन कहता है कि अब तू जवान हो गया है, अब तू अपना खर्चा पानी खुद चला सकता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, संजय यहाँ पर थाने में पहुँच जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी को बहला फुसला कर ये शादी कर लिए हैं दोनों और मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा है मेरा पिता। दोस्तों, पुलिस उन दोनों को, मोहन को और प्रिया को, दोनों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। और प्रिया से पूछा जाता है क्या तुम्हें बहलाया फुसलाया था। प्रिया कहती है नहीं साहब, मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की थी क्योंकि इसका बेटा तो कमाता ही नहीं था। वह कोर्ट मैरिज का कागज़ दिखाते हैं पुलिस के सामने, पुलिस उनको छोड़ देती है। उधर बेटे को फटकार लगाई जाती है कि तू अपने आप कमा सकता है, फिलहाल तू बालिग हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। अब जो वह लड़की थी जो कि उसके बेटे की पत्नी बनकर आई थी, वह खुद उसकी पत्नी बन चुकी थी, ऐसा भी किस्सा इस समाज के अंदर देखा जाता है। तो आप इस घटना से क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पर सीख मिलती है, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।